हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजी ग्राफिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की ट्यूटोरियल में हम इस लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लिप्स टूल सेलेक्ट कर लेना है, फिल का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक रख देते हैं। यहाँ से स्ट्रोक को नन कर दें, इसको सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें, फिर से एडिट में जाएं, पेस्ट इन प्लेस कर दें। ये डुप्लीकेट हो गया, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो आल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके छोटा करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, विंडो में जाएं, पाथ फाइंडर पर क्लिक करें। ये छोटा सा पैनल आपके सामने खुल जाएगा। इनमें से आप यहाँ से इसको माइनस फ्रंट को इस पर क्लिक कर दें, तो ये ब्लैक रह जाएगा। तो मैं यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें, मैं टाइप कर लेता हूँ एस, को बड़ा कर लेते हैं आल्ट शिफ्ट प्रेस करके, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं आल्ट शिफ्ट प्रेस करके। फॉन्ट चेंज कर देते हैं यहाँ से। फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फॉन्ट का नेम सिंजल है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। सर्कल का कलर रेड कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, इन दोनों को सेलेक्ट करें। यहाँ से शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको जोड़ें। आपने आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना है, आल्ट प्रेस करके, आल्ट की प्रेस करके आपने आल्ट की प्रेस करके आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। इधर भी आप आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। इन सब को सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ में जाएं, यहाँ से इसको 11 कर देते हैं, ना सही लग रहा है। ओके पे क्लिक कर दें, इन सब को सेलेक्ट करें, फिर से शेप बिल्डर टू सेलेक्ट करें। आपने फिर से जो फालतू पार्ट है उसको आल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये माइनस हो गए, देख सकते हैं आप। तो ये मैंने फालतू पार्ट डिलीट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट ये जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको आप इस तरह जूम कर दें, देख सकते हैं स्मूथ हो गया। इधर भी देख सकते हैं स्मूथ नहीं, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं, ये स्मूथ हो गया। को बड़ा करें, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करें, आल्ट शिफ्ट प्रेस के साथ आल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करें, इसको अनग्रुप करें। यहां से हम इसका रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, इसका कलर हम लाइट ब्लू रख देते हैं, डार्क लाइट ब्लू।
पर राइट क्लिक करें, अरेंज पे क्लिक करें, सेंड टू बैक कर दें तो ये लोगो नज़र आएगा। लोगो को सेलेक्ट करें, यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा और लाइट कर देते हैं। तो ये सही लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं टैग लाइन दे देता हूँ इसका, यहाँ से आई ड्रॉपर टू सेलेक्ट करें, लोगो पे क्लिक कर दें तो इसका कलर भी येलो हो जाएगा। आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करें नीचे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। तो मैंने ये टैग लाइन दे दिया है। तो इन सब को सेलेक्ट करें, लोगों को भी सेलेक्ट करें, टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर लें, एडिट में जाएं, कॉपी करें। तो इसको हम अभी फ़ोटोशॉप में लेके जाके मॉकअप में डालेंगे। तो मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो रहे हैं, वेट कर लेते हैं। तो फोटोशॉप ओपन हो चुका है, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, कोई सा भी डॉक्यूमेंट खोल लें आप यहाँ से। मैं मॉकअप ओपन कर लेता हूँ, मॉकअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस पर डबल क्लिक करना है, इस लोगो को हाइड कर दें यहाँ से, एडिट में जाए, जो हमने Adobe Illustrator में से लोगो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपने इस क्रॉस पर क्लिक करना है, आपने इस क्रॉस पर क्लिक करना है तो ये आपके सामने खुल जाएगा। यस पर क्लिक कर दें तो ये मॉकअप में लग रहा है, तो ये मॉकअप में लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।